हाय दोस्तों, मेरा जो और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेगुलेटर सर्किट, जो कि बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट में इसे यूज कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हमें चाहिए IRF-Z44N MOSFET, जो कि एक NPN MOSFET है। इसके लेग को हम इस तरह से थोड़ा सा तिरछा बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। अब हमें चाहिए एक पॉट जो कि 10K का है और इसके साथ एक स्विच भी अटैच है। तो इस तरह से इसे भी हम इस तरह से इसके लेग को थोड़ा मोड़ देंगे। अब हमने जो मॉस्फेट लिया था उसके थोड़े थोड़े लेग हम कट कर लेंगे। तो मैंने इसके दो लेग थोड़ा सा छोटा कर लिया है। अब हम इसके लेग को थोड़ा सा बाहर के साइड में निकाल लेंगे, ताकि हमें पॉट में इसे लगाने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे तिरछा बना लिया है। अब हम इसको शोल्डर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने पॉट पे मॉस्फेट को शोल्डर कर दिया है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम पॉट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम और एक वायर का टुकड़ा लेके मॉस्फेट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम और एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम पॉट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेके जो पॉट का स्विच है उसे हम कनेक्ट कर देंगे, और जो मॉस्फेट के जो पीछे है जो बॉडी रहती है उसे हम उस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने उसे थोड़ा सा टच कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम इस वायर को मॉस्फेट के बॉडी पे इस तरह से शोल्डर कर देंगे। अब हम और एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम स्विच पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा ये लगभग पूरा कनेक्शन हो गया है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से ये कनेक्शन है। इससे हम इनपुट और आउटपुट इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। अब मैंने लिया एक PVC शीट जो कि मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे कटिंग करके रखा हुआ है। तो हम इसके एक PVC शीट के बीच में एक होल कर देंगे। तो मैं फटाफट से इसे एक होल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे होल कर दिया है। अब हम पॉट को इसके अंदर इस तरह से बिठा लेंगे। तो फटाफट से मैं इसे बिठा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे फिक्स कर दिया है। इस तरह से आपको इसे बिठा लेना है। अब हम एक 1K का रजिस्टर लेंगे, इसे हम मॉस्फेट की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक LED। मैंने इस शीट को एक होल कर दिया है और इस LED को इस तरह से हम लगा लेंगे। इसके हम पॉजिटिव लेग को रेजिस्टेंस पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और शोल्डर कर देंगे। तो फटाफट से मैं इसे शोल्डर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से ये कनेक्शन हो गया है। अब जो LED का जो दूसरा लेग है, इससे हम नेगेटिव का कनेक्शन करेंगे। तो मैंने जो आउटपुट के लिए एक वायर निकाला था, उसी से हम LED को नेगेटिव कनेक्शन दे देंगे। तो इस तरह से LED का कनेक्शन हो गया है। आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये कनेक्शन कर लेने हैं। और थोड़ा हम इस वायर को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो सके। तो इस तरह से आपको इसे अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब हम PVC का शीट
लेके अब इसकी बॉडी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है और साइड में एक जैसा अंतर रख देंगे। तो इस तरह से लगा के हम ग्लू से इसे फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे लगा के इस तरह से चिपका दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल कनेक्शन था और हम इसकी बॉडी अब इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में सीट लगा दी है, तो आप देख सकते हैं, और साइड की सीट भी मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से अभी ये बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको भी इसे इस तरह से बना लेना है। अब हम ऊपर का सीट भी लगा लेंगे। तो इसे मैंने एक सीट को दो होल कर दिए हैं। तो इस तरह से हम इसके आउटपुट और इनपुट के वायर बाहर निकाल देंगे। तो मैं इसे फटाफट से इस तरह से दोनों वायर लगा के, तो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम जो ऊपर की सीट है इसे भी हम चिपका लेंगे। तो इस तरह से मैंने ग्लू लगा के इसे भी चिपका लिया है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने कट करके पेपर से थोड़ा अच्छी तरह से बना लिया है। अब जो हमने पॉट का जो एक्स्ट्रा लेग है इसे हम कट कर देंगे, और इसे हम अब एक नॉब लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने एक नॉब लगा दिया है। तो अब हमारा ये प्रोडक्ट पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसे पीछे तरफ आउटपुट और इनपुट वायर बनाए हैं, इसे हम थोड़ा लिख के रखेंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे इनपुट के लिए इन और आउटपुट के लिए आउट इस तरह से लिख दिया है ताकि हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आपको भी बना लेना है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया। मैंने लिया है 12 वोल्ट का एलईडी जो कि 2 वाट का है। तो मैंने दो एलईडी लिए हैं। अब हम इसे कनेक्शन कर देंगे। तो मैंने इसे नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। अब हम रेगुलेटर को 12 वोल्ट देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्विच ऑन करते ही ये एलईडी ऑन हो गया है। अब हम जैसे ही धीरे धीरे नॉब को बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अभी एलईडी बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है, और जितना चाहिए उतना वोल्टेज आप एलईडी को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप एलईडी को ब्राइट कर सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं। अब हम इसकी जगह थोड़ा बड़ा लोड लगा के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है 775 डीसी मोटर। तो इसे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम जैसे ही नॉब को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जिस तरह से हमें चाहिए उतनी स्पीड हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेगुलेटर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट जरूर करें।